हे गाइस, और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फोन पे में आईडी क्रिएट करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका। तो आपको ये सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और एक काम करना पड़ेगा, वो है नीचे एक रेड बटन आपको देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब बटन, उसे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके साथ वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी क्लिक कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और भी कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो कोई भी वीडियो में आप नीचे कमेंट करना कि भाई ये हमें प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हमें समझा दो, तो हम आपको समझा देंगे, उसके बारे में वीडियोज भी ला सकते हैं, या फिर अगर कॉमेंट में ही हो तो हम वहां पर समझा देते हैं। तो ये बस आपको करना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फोन पे में एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको है जो गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, या फिर अगर आप आईफोन यूज करते हो तो जो है वहां पर ऐप स्टोर में जा सकते हो, या फिर सैमसंग मोबाइल अगर यूज करते हो तो वहां पर आप गैलेक्सी स्टोर में जा सकते हो। किसी भी स्टोर में चले जाओ, वहां पर जाके आप जो है यहां पर सर्च करना होगा फोन पे, जैसे कि सिंपली आपको पता होगा फिर भी मैं बता रहा हूं। तो उसे आपको जो है सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि मैं यहां पर इंस्टॉल कर ले रहा हूं। तो गाइस, डाउनलोड होने के बाद सिंपली इसको आपको जो है ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। यहाँ पर सिंपली जिस नंबर से आप जो है अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो उस नंबर को यहाँ पर आप डाल दो, जैसे कि मैं यहाँ पर डालूंगा अपना जो नंबर। और नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर दो, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर मांग रहे उस सारे चीज़ों को अलाउ कर दो। और यहाँ पर मैं सब कुछ को अलाउ कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जिस नंबर को आपने दिया है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखना है, जिस नंबर से आप ये अकाउंट क्रिएट करना हो कर रहे हो और जिस बैंक अकाउंट से आप ये करना चाहते हो, मतलब जो पैसा भेजना चाहते हो या पैसा ऐड करना चाहते हो, उस अकाउंट से ये नंबर लिंक होना चाहिए। जैसे कि मैंने इस अकाउंट से जो एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, इसके बाद कुछ ऐसा सरफेस आएगा, यहाँ पर आपको ये बटन दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट करके इसमें आपको जो है क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसमें क्लिक करने के बाद आपका उस बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है जिससे आप पैसा किसी को भेजना चाहते हो, जिस बैंक अकाउंट को आप जो है फोन पे से लिंक करना चाहते हो उसी के साथ वो नंबर, ये जो फोन नंबर यहाँ पर डाले वो लिंक होना चाहिए। और उसी के साथ और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो वो सिम कार्ड जिस नंबर दिए ना, वो सिम कार्ड आपकी फोन जिस फोन में जो फोन पे इंस्टॉल कर रहे हो उस फोन में होना जरूरी है, तभी आपका जो है बैंक में ये ऐड होगा। यहाँ पर मैंने अपना बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर इसमें आपको जो जिस सिम कार्ड एक नंबर सिम में है या फिर दो नंबर सिम में आपने जो है उसे रखा है तो यहाँ पर उसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने नंबर एक में सिलेक्ट किया हुआ है तो ये कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर वो एक सेम जो SMS भेजेंगे हमारे उस नंबर पे, और ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो मेरा अकाउंट यहाँ पर फेच हो रहा है, और यहाँ पर आप देख पाओगे मुझे मैसेज भी आ गया है। और यहाँ पर अगर आपके उस फोन नंबर में जो अकाउंट होगा तभी ये हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो मेरा यहाँ पर जो है ऐड हो चुका है मेरा बैंक अकाउंट। अब आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेट भीम UPI, यहाँ पर देख पा रहे हो एक पिन आपको जेनरेट करना पड़ेगा, जब भी किसी को आप पेमेंट कर रहे हो तब वो पिन आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ATM नंबर डालना पड़ेगा, अगर आपके पास ATM है तो, अगर नहीं है तो आपका जो है यहाँ पर ये सेट नहीं होगा, आपका ATM होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो आपको ATM की जरूरत होगी, डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड हो, तो उसे आपको जो है यहाँ पर डालना होगा। और यहाँ पर जो है उसके बाद आपको जो है कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आप इजीली जो है यहाँ से ट्रांजेक्शन कर पाओगे बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर जो है हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर देख रहे हो मेरा नंबर दिखा रहा है, यहाँ पर जो नंबर, यहाँ पर ईडी डिटेल्स में क्लिक करके आप यहाँ पर जो यूजर की जगह अपनी नाम डाल सकते हो, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो आप, मतलब जो आप अपनी मर्जी से डालना चाहते हो वो आप यहाँ पर जो है डाल सकते हो, और यहाँ पर आपका जो है सब चेंज हो जाएगा, हमारा प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हो, बहुत ही आसान है। तो ऐसे आप जो एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से फोन पे में। तो दोस्तों, आपने तो देख लिया बहुत ही सिंपल ये तरीका था, तो इसके लिए एक लाइक बनता है, और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है इसी रिलेटेड, या फिर कोई दूसरे प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलना, मैं हूँ हमेशा आपको रिप्लाई दूंगा। और उसी के साथ अगर रिप्लाई में वो समझा नहीं सकता मैं, तो आपको जो है वीडियो के थ्रू आपको समझा दूंगा। तो बस यही, अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, और यही था वीडियो में, अच्छे रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराता रहिए, चाहे सिचुएशन को भी हो। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली एंड द नीड्स ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।